का फंडा। Guys, welcome and welcome back to my YouTube channel. So, मुझे देखकर लग रहा है ना कि हाँ मेरी तबीयत पहले से बेटर हो गई है. सो या इट्स अ गुड न्यूज, पहले से बहुत ज़्यादा बेटर फील कर रही हूँ. पिछले 4-5 दिनों आपने देखा कि कितनी ज़्यादा तबीयत बिगड़ी हुई थी, एंड उसमें गलती मेरी थी बिकॉज मैंने खाने पीने पे ध्यान नहीं दिया, वर्कआउट हैबिट्स पे ध्यान नहीं दिया, कुछ भी ठीक से नहीं चल रहा था. लेकिन कहते हैं ना, लाइफ में कुछ गलत भी बहुत कुछ सही करने के लिए होता है. सो यूनिवर्स मुझे यही चांस दे रहा था कि भाई संभल जा, वरना आगे जाकर और गड़बड़ हो सकती है. और आप लोग मेरी फैमिली हो तो आप लोगों को भी सतर्क करना मेरा फर्ज बनता है. तो मैं आपको बता दूं कि भाई अगर आप लोग अपनी हैबिट्स पर ध्यान नहीं देते हो, अपने खाने पर ध्यान नहीं देते, अपने वर्कआउट पर ध्यान नहीं देते ना, बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है. और मैं नहीं चाहती कि जो मैंने फेस किया वो तुम में से कोई फेस करे. सो प्लीज़ संभल जाओ, सतर्क हो जाओ और अभी से सुधर जाओ. सो या अब से ना मैंने भी सोचा है कि मैं बहुत सारी हैबिट्स अपनी चेंज करूंगी, जैसे कि मैं अपनी डाइट चार्ट में कुछ इंप्रूवमेंट्स लेके आऊंगी. बाहर का जो मैं फास्ट फूड बहुत ज़्यादा खाती हूँ, जैसे कि पिज़्ज़ा मोमोज ये वो, ये सब कुछ कम करना है. छोड़ तो मैं सकती नहीं, सीधी सच्ची सी बात है, झूठ नहीं बोलना अपने को, छोड़ सकती नहीं उस सब चीज़ को, लेकिन हाँ कम कर सकती हूँ. सो मैंने अभी से स्टार्ट कर दिया है. सो मैं हेल्दी हेल्दी खाने वाली हूँ, और आज भी मैंने काफ़ी कुछ हेल्दी खाया था, कुछ भी ऐसा गड़बड़ घोटाला नहीं खाया. दूध मैं पहले पीती नहीं थी, लेकिन अब मैंने केसर बादाम मिल्क, नॉर्मल मिल्क सब पीना शुरू कर दिया है अपने लिए. सो आप लोग भी शुरू कर दो अगर अभी तक शुरू नहीं किया है तो. सो आज के व्लॉग में अगर तुम्हें कहीं पर भी दिखे ना कि हाँ मैं कुछ अनहेल्दी खा रही हूं, तो कमेंट सेक्शन में ना चीटर चीटर लिख सकते हो, ताकि मुझे ये चीज ना याद रहे कि हाँ भाई मैं चीटिंग कर रही हूं, और मुझे अपने यूट्यूब फैम के साथ और खुद के साथ बिल्कुल भी चीट नहीं करना है. सो इसी पॉजिटिव नोट के साथ शुरू करते हैं आज का व्लॉग, देखेंगे आज के दिन में क्या कुछ होता है. और सबसे पहले तो ये देखो, टी शर्ट पजामा में वापस आ गई हूँ, स्वेटर वेटर जैकेट सब खत्म, बिकॉज गर्मियाँ आ चुकी हैं. लिटरली आई एम सो डैम हैप्पी, बिकॉज भाई सर्दियों ने मेरा कर दिया था बुरा हाल. एंड एज यूजुअल, देखो कितनी जल्दी थक जाती हूँ मैं आजकल, एज यूजुअल कि सर्दियों में मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती थी. एक तो इतने सारे कपड़े पहनो, ऊपर से स्वेटर वगैरह पहनने के बाद भी ना मेरी सर्दी नहीं जाती भाई, कितना ही गर्म चीज़ें खा लूँ, कुछ भी कर लूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. सो आई एम हैप्पी कि गर्मियाँ आ गई हैं और वापस से अपना टी शर्ट पजामा और फिर अब टी शर्ट शॉर्ट्स पे आ जाएंगे थोड़े टाइम बाद, एसी की मौज लेंगे. सो या गाइस, आप लोग भी एंजॉय करो अपना दिन मेरे साथ और खुद के साथ, एंड जो मैंने बोला ना, भूलना नहीं, हेल्दी हेल्दी खाना है. सो फैम, एक हेल्दी लाइफस्टाइल ऑप्ट करना या फिर एक हेल्दी हार्ट को मेंटेन करके रखना आज के टाइम को देखते हुए बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया है, ऐसा मुझे लगता है. बिकॉज ब्लड प्रेशर्स की इतनी प्रॉब्लम रहती हैं, किसी का बहुत ज़्यादा हाई रहता है, किसी का बहुत ज़्यादा लो रहता है, कोलेस्ट्रॉल्स की इतने सारे इश्यूज़ हैं, और सबसे ज़्यादा मेजर सोचने वाला या मेजर कंसर्न एक ऐसा आ गया है कि जो लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं, नॉर्मली भी एक्सरसाइज कर रहे हैं डेली बेसिस पर, साथ ही साथ डाइट चार्ट फॉलो कर रहे हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं, स्टिल उनके अंदर भी कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि ऑटोमेटिकली उनको भी हार्ट रिलेटेड डिजीज का सामना करना पड़ता है, या हम कह सकते हैं कि हार्ट अटैक्स का सामना करना पड़ता है. चाहे छोटे बच्चे हों, चाहे यंगस्टर्स हों, चाहे बुजुर्ग हों, हर एक पर्सन में इस तरीके की जो प्रॉब्लम है वो पाई गई है. सो ऐसे में क्या किया जाए? हम कोई भी ऐसी मेडिसिन भी नहीं ले सकते जिनके बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स हों, बिकॉज वो चीज़ भी हम कहीं ना कहीं अफोर्ड नहीं कर पाएंगे अपनी हेल्थ के साथ. सो ऐसे में हमें आयुर्वेदा के ऊपर डिपेंड करना चाहिए. आयुर्वेदा में कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते, धीरे धीरे वर्क करता है, आपको ज़रूर से वो हेल्दी लाइफस्टाइल प्रोवाइड करा सकता है जो आपको बाकी किसी चीज़ से नहीं मिल सकता है. सो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपको आज दिखाने वाली हूँ ये जीरो ब्लॉक का टॉनिक. ये जीरो ब्लॉक का आयुर्वेदिक सॉल्यूशन है जिसके अंदर सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं. नेचुरल इंग्रेडिएंट्स की बात करें, जिंजर, लेमन, गार्लिक, ऐसी चीजें जो आपकी बॉडी को एक अच्छी खासी इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगे और इम्यूनिटी के साथ साथ आपके हार्ट को हील करने में आपकी हेल्प करेंगे. आयुर्वेदिक है, सो इसके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है. अब इसका नाम ही जीरो ब्लॉक है ना, आप खुद देखो, जीरो ब्लॉक का मतलब जीरो ब्लॉकेज, आर्टरीज की जो ब्लॉकेज है उसको धीरे धीरे खत्म कर देता है ये, एंड जीरो पर ले आता है. जब आर्टरीज की ब्लॉकेज ही खत्म हो जाएगी तो हार्ट अटैक का खतरा ही खत्म हो जाएगा. सो इसके जितने भी की इंग्रेडिएंट्स हैं उनके बारे में हम जानते हैं. सो जीरो ब्लॉक इज एनरिच्ड विद गार्लिक दैट बूस्ट गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल, जिंजर रिलैक्सेस ब्लड वेसल, हनी स्ट्रेंथेंस इम्यूनिटी टू कार्डियो सिस्टम, एप्पल साइडर विनेगर दैट लोअर्स द कोलेस्ट्रॉल लेवल, एंड लेमन that prevents hardening of the arteries. और सबसे अच्छी बात है ये ISO certified है, and साथ में FDA approved भी है guys. So guys,
गाइस, अगर आप लोग जीरो ब्लॉक खरीदना चाहते हो तो परचेज लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाओ जाकर चेक करो और अपना जीरो ब्लॉक आज ही मंगाओ। एंड स्टे हेल्दी स्टे फिट, जल्दी से जाके चेक करो डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सारी डिटेल्स आपको वहां मिल जाएंगी। सो फैम, अगर आपको इसे परचेज करना है तो आप जीरो ब्लॉक परचेज कर सकते हो सीनियोरिटी के ऑनलाइन स्टोर से, जो कि बहुत इजीली आपको अवेलेबल हो जाएगा। एंड सबसे अच्छी बात है कि आपको 10% डिस्काउंट मिल सकता है। सो जब भी आप इसे परचेज करो तो नीचे जो मेरा कूपन कोड फ्लैश हो रहा है वो जरूर से कूपन कोड आप ऐड कर देना, दैट इज FAB10 FAB10, तो आपको पूरा 10% डिस्काउंट इसके परचेज पर मिल जाएगा। एंड प्लीज गो एंड ट्राई दिस प्रोडक्ट, बहुत ही अमेजिंगली वर्क करता है। अभी मैं यहाँ पे बाहर धूप में रील बना रही थी भाई, ये जो आसमान है ना, इसके और ये पीछे जो बैकग्राउंड है इसके साथ इतनी मस्त मस्त रील बन गई, इतना अच्छा अच्छा सुंदर सुंदर सा, मतलब मेरा थोड़ा इतना सुंदर है भी नहीं पर फिर भी नज़र आ रहा था, मस्त सा सारा खेल बस ये बैकग्राउंड और लाइट्स और इन चीज़ों का और फिल्टर का होता है। तू तो, तुझे तो मेरी बुराई करने का मौका चाहिए बस, तू तो चाहता ही नहीं। आज मैं अपना वीडियो बना रही थी वो पीआर पैकेज वाला, इसने बीच में छींक दिया, मतलब जैसे ही वो वीडियो खत्म हुई, खत्म होने से थोड़ा सा पहले ही छींक दिया भाई, और फिर कह रहा क्रॉप कर ले ट्रिम कर ले, मतलब ये लड़का ना बहुत ज्यादा शैतान हो गया है, बहुत ज्यादा। अब तुझे ऑमलेट बना के ही नहीं दूंगी मैं, ठीक है मैं खुद बना लूंगा। जा बाय, जा ना, देखती हूँ बाहर रह मैं। तो हाँ, मैं क्या बता रही थी, रील बनाई, रील सब अच्छे। तुम में से इंस्टाग्राम पे मुझे जिसने फॉलो नहीं किया है ना, जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। यूट्यूब का मेरा जो चैनल है ना, पेज खुलेगा ऊपर ही इंस्टाग्राम का लोगो आता है, क्लिक कर दो सीधा उसी पेज पे पहुंचोगे। वैसे इट्स मर्शिका 10 है इंस्टाग्राम का नेम, सो ठीक है जाकर तब तक फॉलो करो। मैं तब तक ऑमलेट बनाती हूँ बिकॉज इसको भूख लग रही है, तो इसके लिए ऑमलेट और अपने लिए सैंडविच बनाने जा रही हूँ। ये देखना जरा, इतनी हाइट करनी पड़ती है रील बनाने के लिए ट्राइपॉड की, लंबी हूँ ना एक्चुअली मैं, कुछ लोगों की तरह छोटी हाइट नहीं है मेरी। गरीब बच्चे, अंडे का फंडा अब बनेगा ऑमलेट। ओमलेट किसने रखा इसका नाम, ऑमलेट क्या लेट। अब यहाँ पे मुझे बर्तन तो कभी मिलते ही नहीं है गाइस, पता नहीं कहाँ गया पैन। बंद कर दे, बंद कर क्या तू। तो यहाँ पे डल रहा है बटर, मक्खनवा को जब हम डालते हैं, मत कर मैं अपने आप कर लूंगी। तुमको कुछ आता भी है क्या, गरम तो होने दो भाई। मैं कर रही हूँ ना, जब मैं कर रही होती हूँ तो मुझे बस करने दिया कर। क्या ऑमलेट आता होता है नोनू नोनू, कुछ नहीं काट दियो इसको, बनाना तो आता नहीं है ब्लॉग किसी का। ये देखो गाइस, इस पे डलेगा, डाल दूँ कि नहीं। अंडे का फंडा। सो गाइस, ये बन रहा है अंडा जो कि है फंडा। मुझे ऐसे ही तंग करता रहता है, मतलब मैं बोलूंगी ना अगर कि हाँ चल थोड़ा सा तू शूट कर ले व्लॉग, कभी कभी कुछ कुछ चीजें ऐसे मुझे करनी होती हैं जिसमें ये है कि कोई सेकंड पर्सन शूट कर ले, नहीं वो शूट तो करेगा लेकिन इतना तंग कर देगा, इतना तंग कि मैं सोचती हूँ कि फिर मैं खुद ही शूट कर लूँ। फाइनली इसका ऑमलेट तो बन गया, फटाफट अपने लिए सैंडविचेस बनाऊंगी, वो भी एकदम हेल्दी वाले ब्राउन ब्रेड के साथ। मेरे ऑमलेट को किसी की नजर लग गई है, पलटा ही नहीं गया आज, पूरा टूट गया, वरना मैं हर बार ही इतना गोल गोल मस्त बनाती हूँ, आप चाहो तो शॉर्ट्स में जाके देख लो, लेकिन इस बार ये टूट गया। और उसको बुला रही हूँ तो वो मदद के लिए आया भी नहीं। तो दोस्तों मैं अपना ले आई हूँ खाने के लिए सैंडविच बना के, सैंडविच अभी देख। ये देखो मैंने डोमिनोज का फ्री का ओरिगैनो आया था ना, इतना सारा इस पे डाल दिया, ये मेरे लेस और ये मेरी केचप, और थोड़ी देर टीवी देख लेते हैं, बहुत मन कर रहा है क्योंकि। तो फैम अभी मुझे एक वीडियो फिल्म करना है, कौन सा, मेरे को अपना जो वेडिंग लहंगा रिवील करना था ना, रिवील तो मैं कर चुकी हूँ चैनल पे, बट मुझे अनबॉक्सिंग करनी थी अपने वेडिंग लहंगा की, जो मेरे को आपको प्रॉपरली दिखाना था, मैंने प्रॉमिस किया था कि उस पर ज़रूर से वीडियो लेके आऊँगी, तो वो वाला वीडियो मुझे आज ही फिल्म करना है क्योंकि अभी मेरे पास टाइम है, तो मैंने सोचा उसको फिल्म करते हैं। सो अभी पहले कबर्ड में से फटाफट से लहंगे का बैग निकालेंगे, गंदा हुआ हुआ होगा पूरा, पता नहीं शादी के बाद से तो मैंने छुआ भी नहीं था, सो अभी उसको निकाल के पहले झाड़ पोछ करके फिर वीडियो फिल्म करेंगे। यहाँ पे हमारा ट्राइपॉड जिंदाबाद लगा दिया है मैंने, पीछे मेरा सारा काम हो रहा है, आज मैं इसी रूम में काम कर रही हूँ क्योंकि उस रूम में नोरू काम कर रहा है, सो इस रूम में मैं काम कर रही हूँ तो इसी रूम में वीडियो फिल्म कर लूँगी। अब क्या कर सकते हो, हॉल में कपड़े फैले पड़े हैं क्योंकि अभी वहाँ पर भी मैं एक वीडियो फिल्म करके आई हूँ आजकल, एक के बाद एक इतनी सारी वीडियोज़
शूट करनी पड़ती है ना, और मुझे अच्छा भी लगता है। लिटरली मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आने लगा है। कहते हैं ना, जब आप किसी चीज़ को करते हो करते हो करते हो, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आने लगता है, सो आपको भी उस काम में मज़ा आने लगता है। और ये शूट वूट ये सब चीज़ें यूट्यूब तो मुझे करना बहुत ही पसंद है। तो चलो जल्दी से अभी लहंगा निकाल। देखना जरा हाल, ये जो बैग है ना, इसमें है लहंगा, और ये देखो जरा, ये जितने भी पीआर पैकेजेस हैं, जो भी पैकेजेस, जो भी ऐसी चीजें हैं ना मेरी, सब इसी कबर्ड में पड़ी हैं। इसको निकालना बहुत बड़ा टास्क है बॉस। मैंने इसको रख दिया यहाँ पे, मेरे ये जो मेरा सूटकेस है ना, इसके ऊपर। और अभी तो मैं नहीं दिखाऊंगी वो वाला वीडियो, तो आपको चैनल पे देखना पड़ेगा। अगर न्यू हो ना, पहली बार देख रहे हो, तो जरूर से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसकी पूरी अनबॉक्सिंग, वो भी लाइव अनबॉक्सिंग, बिल्कुल क्लियर कट, कैसा फेब्रिक है, कैसा डिज़ाइन है। फोटोज़ वीडियोस में तो लाइटिंग वगैरह की वजह से चीज़ें बहुत डिफरेंट नज़र आती हैं, लेकिन यहाँ पे मैं बिल्कुल ऐसा साफ सुथरा सा एकदम क्लियर आपको सबके सामने ही बैग खोल के अनबॉक्सिंग करके दिखाने वाली हूँ उस वीडियो में। सो ज़रूर से देखना, उसके लिए चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन हिट कर दो ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए। हल्की सी झलक दिखा देती हूँ, पूरा नहीं दिखाऊंगी। ये देख लो, ये मान्यवर मोहे का जो बैग है, ऐसा बैग मिलता है। और ये मेरा है वेडिंग लहंगा, पूरा देखना है तो जरूर से आने वाली वीडियो को जरूर देखना। तो यार फैम, इस वाले ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूंगी। होपफुली ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, बिकॉज इसमें मैंने बहुत सारी अलग अलग चीजें बताई, वेडिंग लहंगा रिलेटेड भी बताया, आपको जीरो ब्लॉग के बारे में भी बताया। सो हाँ, काफी कुछ अलग तरीके के फैक्ट्स में आपको जानने के लिए मिले हैं। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया या चैनल पसंद आया, सो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, बेल बटन हिट करके जाना ताकि आगे आने वाली न्यू न्यू वीडियोज की नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं बहुत जल्दी हूँ, मिलती हूँ आपसे न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखो, बाय। इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लेना, बाय।